गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे टुडे विल टीच कंजर्वेशन ला कंजर्वेशन मींस क्या होता है कंजर्व मींस सुरक्षित रखना बचा कर रखना बिना बदले हुए कंडीशन में रखना है जैसे कि तैसे पहले जैसे रखना या रहना कोई चेंजिंग ना होनी चाहिए उसको बोलते हैं कंजरवेशन और जो ला इसको गवर्न करता है उसको अनचेंज होने को मेंटेन करता है उसको चेंज नहीं होने देता है उसको प्रिजर्व रखता है उसको सुरक्षित रखता है उसको बचा कर रखता है उस ला को बोलते हैं ला ऑफ कंजर्वेशन आर कंजर्वेशन ला कंजर्वेशन गया कंजर्वेशन मीन्स जैसे के तैसे रखना सुरक्षित रखना बचा कर रखना ऑन चेंज रखना तो बहुत सारे जो प्रोसेस होती है फिजिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे केमिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस तो बहुत सारे जो प्रोसेस होती है वो बहुत सारे उस पर डिफरेंट फोर्स एक्ट करते हैं उस प्रोसेस पर उसके बाद भी जो फिजिकल क्वांटिटी है रिमेन अनचेंज होती है फिजिकल प्रोसेस होती है बहुत सारे डिफरेंट फोर्स लगते हैं फिर भी उसमें कुछ फिजिकल ऐसी क्वांटिटी होती है कि रिमेन अनचेंज होती है उसको कंजर्व क्वांटिटीज बोलते हैं और जो ला उसको कंजर्व करता है उसको तो बोलते हैं ला ऑफ कंजर्वेशन उस फिजिकल क्वांटिटी को जो ला कंजर्व करता है उसको बोलते हैं लाई ऑफ कंजर्वेशन ये हमें फोर टाइप की स्टडी करने हैं ध्यान दीजिए लाए ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी को कंजर्व करने वाले ला लाए ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने वाले ला लाए ऑफ़ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने वाले ला और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्ज को कंजर्व करने वाले ला ठीक है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट ध्यान से सुनिए ठीक है ना कह रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इट ओनली चेंज इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केवल इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या है तो मोमेंटम से इंडिकेट करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलासिटी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलासिटी लिन इक्वल एम इंटू वी तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम ठीक है कि इफ अ एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स लिनियर मोमेंटम रिमेन अनचेंज किसी भी सिस्टम पर यदि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो उसका लीनियर मोमेंटम अनचेंज रहता है कंजर्व रहता है ठीक है उसके बाद है आपका सेकेंड ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई तो कोई भी बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन करती है गोल गोल घूमती है फिक्स एक्सिस है उसके चारों ओर घूम रही है तो उसके पास एक इनर्सिया होती है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया जब कोई वाड़ी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती है तो उसकी एक एनर्सिया होती है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ़ एनर्सिया और वह एनरसिया एक मोमेंटम एसोसिएट करती है इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को एल से इंडिकेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल मोमेंट ऑफ एनर्सिया आई इंटू एंगुलर वेलासिटी ओमेगा इसको हम लोग विस्तार से आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे तब तक साथ पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल एनर्सिया इन टू एंगुलर वेलासिटी स्पीड अब कह आ रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है कि इफ अ एक्सटर्नल टर्क डज नॉट एक्ट ऑन अ सिस्टम किसी भी सिस्टम पर यदि एक्सटर्नल टर्क एक्ट ना करे तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टर्क एक्ट ना करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम प्रिजर्व रहता है क्लियर और थर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ठीक तो है न तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज किसी बॉडी पर रहने टोटल चार्ज अनचेंज होता है बदलता नहीं है टोटल चार्ज मींस चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कर कह सकते हैं केवल इसे चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं तो चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इट ओनली ट्रांसफर इनटू वन बॉडी टू अनदर बॉडी चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो यही है आपका ला ऑफ कंजर्वेशन बताइए दिए कंजर्वेशन मीन्स क्या होना है प्रिजर्व रखना तो जो एनर्जी को कंजर्व करे उसको लाइफ कंजर्वेशन जो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करे उसको लाइफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो एंग्लो मोमेंटम कंजर्व करता है नहीं चेंज कर देता है और जो चार्ज को ठीक है फोर ला है इसको स्टडी कीजिए ध्यान से धीरे धीरे आप इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तो देख ले थैंक्स